नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी वेलनेस दोस्त गहना आज फिर आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हमें कैल्शियम की कमी हो गई है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या अपने ही मेडिकल वाले से पूछते हैं कि कोई अच्छी सी कैल्शियम की गोली बता दे और हम कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैल्शियम सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए नहीं, कैल्शियम और भी काम में आता है। और कैल्शियम के साथ सबसे ज़रूरी है, जो कैल्शियम हमने खाया वो हमारी हड्डियों में जाके डिपॉजिट हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी। विटामिन डी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स अ कैरियर, कैल्शियम हमारा लगेज है, उस लगेज को कैरी करने के लिए जो हमें कैरियर चाहिए वो हमारा विटामिन डी है। अगर हमारे कैल्शियम के साथ में हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो हमारा कैल्शियम की गोली खाने का हमारे बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। इट्स जस्ट इनटेक एंड आउट, इन एंड आउट चल रहा है, एंट्री एग्जिट। तो क्या करना चाहिए? तो एक तो पहली बात तो हमें कैल्शियम, ऐसी कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए जिसके साथ में उसमें विटामिन डी भी कंटेंट करता हो। और ना ही सिर्फ विटामिन डी, हमें विटामिन के चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, ये सारी चीज़ों के साथ में हमें कैल्शियम चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन के क्या करता है, विटामिन के ब्लड फ्लो करता है अच्छे से। तो अगर ब्लड फ्लोइंग अच्छे से नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो कैल्शियम हमारी नर्व्स में, धमनियों में जाके जम जाएगा। जैसे हमने बहुत बार सुना भी है कि कंटिन्यू कैल्शियम खाओ तो एसिडिटी हो जाती है, फिर हड्डियों से ज़्यादा तो वो नसों में जमने लगता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम की गोली सुबह खाओ और कैल्शियम की गोली खाने के बाद में आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठो या वॉक करो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कैल्शियम हमने लिया उसे हमारी हड्डियों में डिपॉजिट करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत है। लेकिन हम में से कितने लोग रोज़ कैल्शियम की गोली खाने के बाद में आधा घंटा धूप में बैठते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते हैं। आजकल तो फ्लैट सिस्टम है तो बालकनियाँ भी नहीं है, जगह कम होने की वजह से अगर बालकनीज है भी तो उन्हें कवर करा दिया जाता है, तो घर में धूप आती ही नहीं है। और रोज़ हम कितना बाहर जाएंगे, नहीं जा पाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कैल्शियम से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी हड्डियाँ और जॉइंट्स के लिए ही है, हमारे दांतों के लिए है। कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बाल झड़ना, एलर्जी होना, पैरों में ऐसा हमें लगता है ना कि नमनेस हो गई है या ऐसे मुंगियां काट रही है, टिंगलिंग बोलते हैं जिसको, स्किन ड्राई हो रही है, मसूड़े सूज रहे हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है। और आजकल ये बहुत हो गया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं घर में, एक रूम से दूसरे रूम, इस रूम से सोच कर जाते हैं कि हमें उस रूम में वो काम है और वहाँ पहुँचते ही हम भूल जाते हैं। और हम लेडीज़ के साथ तो ऐसा होता है, खाना बनाते बनाते फ्रिज में से धनिया चाहिए, गैस स्लो करके हम गए, हमने फ्रिज खोला, लेकिन फ्रिज खोलते ही हम भूल जाते हैं कि फ्रिज क्यों खोला था। फिर फ्रिज को थोड़ा देख के फिर हम फ्रिज बंद कर देते हैं, फिर वापस जब गैस तक आते हैं, अरे मुझे तो धनिया लेना था, मैंने धनिया के लिए फ्रिज खोला था। आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है न्यूली मैरिड में, यंगस्टर को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और अगर कंसीव कर भी रहे हैं तो मिसकैरेज भी केसेस हमें बहुत सुनने को आते हैं।
जो हम पहले नहीं सुनते थे। तो ये सारे चीज़ों की वजह है कहीं ना कहीं कैल्शियम की डिफिशेंसी होना। और आपको पता है कि हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए, हमारे हार्ट को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए। आजकल चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन, अब नॉर्मल पाल्पिटेशन, अचानक से हमें लगता है कि हमारा दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा है, थोड़ा स्टेप्स चढ़े या थोड़ा फास्ट वॉक किया तो हमें लगता है कि बस बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं कारण, कुछ हद तक कारण कैल्शियम की डिफिशेंसी है। तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे नाखून टूटने लगते हैं, जिन्हें ब्रिटल नेल्स भी कहा जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, एलर्जीज हो रही है आजकल। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं कैल्शियम है। तो हमें हमारे कैल्शियम कंजप्शन पे ध्यान देना चाहिए। और कैल्शियम भी, अब जैसे बाहर मार्केट में जो कैल्शियम मिलता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हमें एसिडिटी देता है एज अ गिफ्ट। आपने कैल्शियम लिया, उसके साथ में एसिडिटी फ्री। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोदी केयर के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम मिलेट है जिससे हमें एसिडिटी नहीं होती है। उसके साथ में विटामिन डी है, के है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और सबसे ज़रूरी इसमें सीसस क्वाड्रागुलारिस है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हड्ड जोड़ कहा जाता है, जो हमारी बोन्स की छोटी मोटी वेयर एंड टेयर जो रोज का रोज होती रहती है, जो हमें पता भी नहीं चलती है, उसे ठीक करता है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए अपने बॉडी पे, अपने शरीर में कैल्शियम की कमी मत होने दीजिए। कैल्शियम इनटेक कीजिए, क्योंकि आफ्टर 30 हमारी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट कम होता है और उसका ड्रेनेज ज़्यादा होता है। इसीलिए ही हमें कैल्शियम की आउटसोर्सिंग अर्ली एज में कर लेनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 50 की एज तक जब तक हड्डियाँ दुखती नहीं है तब तक हम कैल्शियम लेना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक दवाई है। ओहो हो माय गॉड, इतनी छोटी उम्र में अभी से ही हम दवाई लेने शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जो हमारा कैल्शियम का इनटेक हमारे खाने से कंप्लीट नहीं होता है, उस गैप को फिल करने के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो प्लीज़ ये समझिए कि जो हम कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं वो हमारे किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये सप्लीमेंट है उस गैप को फिल करने के लिए। और ये हम अर्ली एज में इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी 50 प्लस के बाद में भी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, हमें दर्द नहीं हो, हमारे नाइल्स नहीं टूटे, हमारे दांत ख़राब नहीं हो, गम्स नहीं सूजें, हम ज़िंदगी को एंड डे तक इंजॉय कर सकें। जब तक जिए जवान जिए, क्यों हम बुढ़ापे की तरफ जाएं? जब हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे टाइम टू टाइम, अर्ली एज से ही सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे लिए एज विल बी जस्ट अ नंबर, कोई बुढ़ापा नहीं होगा। और हमें बुढ़ापा चाहिए भी नहीं, चाहिए आप लोगों को? मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसी दुआ के साथ कि कभी किसी पे बुढ़ापा नहीं आए, क्योंकि हम सब लोग बहुत अवेयर्ड पीपल हैं, वेरी एजुकेटेड पीपल, हमें पता है कि हमें हमारी बॉडी को क्या देना है क्या नहीं देना है। तो दोस्तों, प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और कैल्शियम की आउटसोर्सिंग अर्ली एज में स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरीके से हम अपने पैसों की बचत अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा रिटायरमेंट अच्छे से प्लान हो जाए, हमें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वही चीज़ हमें हमारी हेल्थ के साथ करनी है। हमारी
एज के साथ हमारी हड्डियां नहीं दुखनी चाहिए। बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बी हैप्पी एंड हेल्दी। बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों।